मेरा नाम इकबाल है और मैं पिछले 20 सालों से मुंबई में ऑटो चला रहा हूँ। मैं मुंबई का चप्पा चप्पा जानता हूँ और सभी इलाकों से गुजर चुका हूँ, पर मुंबई में एक ऐसी जगह है जहाँ मैं कभी नहीं जाता। वो है मुंबई की गोरेगांव में स्थित आरे कॉलोनी। करीब 8-9 साल पहले देर रात में एक पैसेंजर को रॉयल पाम सोसाइटी में छोड़ के मैं घर वापस लौट रहा था। पूरा रास्ता सुनसान जंगलों के बीचों बीच बना था। उस दिन हवा बहुत जोरों से चल रही थी और हल्की हल्की ठंड भी। मैं किशोर कुमार का गीत गुनगुनाता हुआ जा रहा था कि अचानक मेरी ऑटो के सामने एक औरत आई। मैंने झटके से गाड़ी रोकी और उस औरत से माफी मांगने के लिए उतरा, मगर वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। मुझे लगा कि मेरी आंखों का कुछ धोखा हुआ है, तो मैं ऑटो में वापस बैठ गया। जैसे ही मैंने ऑटो स्टार्ट करी, एक बूढ़ी सी औरत मेरे बगल में आके खड़ी हो गई और उसने मुझसे कहा, थोड़ा आगे तक चलोगे, और पीछे बैठ गई। उस औरत ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे और एकदम मट्टी में लिपटी हुई। उसका चेहरा उसके बिखरे बालों से छुपा सा हुआ। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि रात के 3 बजे इस बूढ़ी औरत को कहां जाना है। मैंने उससे पूछा, मैडम कहां जाना है आपको? उसने जवाब में कहा, आगे एक शमशान है, बस वहां तक। ऑटो के मिरर से जब मैंने उसे कहते देखा, उसकी आंखों में एक डरावनी सी चमक थी। जब उसके बाल हवा से उड़े तो उसका गलगला सा चेहरा देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और तब मुझे सूझा कि शायद मेरे पीछे जो औरत बैठी है वो एक चुड़ैल है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं चुपचाप ऑटो को खूब तेजी से आगे बढ़ा रहा था। एकदम से मेरी ऑटो में खड़खड़ हुई और वो बंद पड़ गई। मैंने तुरंत उतर के बिना उस औरत से नजर मिलाए ऑटो को ठीक करने में लग गए। जैसे ही मैंने ऑटो ठीक करके ऑटो स्टार्ट किया, तब मैंने देखा कि वो औरत मेरे पीछे वाली सीट पे है ही नहीं। तभी मेरे बगल से एक ऑटो गुजरा जिसमें वही औरत बैठी। मैं उस इलाके से जैसे तैसे निकल कर घर पहुंचा और सीधे जाके सो गया। अगले दिन मुझे मालूम हुआ कि उस इलाके में एक ऑटो का एक्सीडेंट हुआ है और ऑटो ड्राइवर की उसी समय डेथ हो गई। और सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि वो वही ऑटो था जिसमें वो बूढ़ी औरत बैठ के निकली थी। इस किस्से के बाद मैंने कई कहानियां सुनी कि आरे कॉलोनी में ऐसी सफेद साड़ी वाली एक बूढ़ी सी चुड़ैल रहती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, सब्सक्राइब करिए और सुनिए हर मंडे एक ऐसी ही सच्ची हॉरर स्टोरी, क्योंकि अब हर मंडे खूनी मंडे।